तो नामांकन दाखिल करने के बाद सत्येंद्रनाथ तिवारी ने भव्य रोड शो निकाला। हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे, जिसके बाद एक नामांकन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। हम लोग भी 20,000 आए हैं, चलिए कृषि में और मध्य प्रदेश में चर्चा चुके हैं और मध्य प्रदेश में अभी भारत में मोहन मामा हो गए हैं, पूरे भारत में ये मामा बंद देखने के लिए भाइयों के लिए इस मंच पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय गृहखा मंत्री है, आदरणीय सतीश चंद्री ममता सिंह है, जब है हम सभी के लोग ये शपथ प्रथम हम इस बार सांसद आयोगे आई खा के लोग आते चौहानों के विकास हो सर्वांगीण विकास हो, इसलिए हम लोकप्रिय सांसद ने कहो काम किए हैं। वैसे सांसद आदरणीय कृष्ण भाई धर्म के मंत्री और हमारे साथ हुए हुर के रहने वाले हैं, इनका जन्मभूमि झारखंड के हुर में है लेकिन इनका कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है। वहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्व का सफल निर्वहन किया और आज वहां से दूसरी बार विधायक हैं। तीसरी बार कभी गारंटी हम दे रहे हैं कि विधायक आइए, काफी सुंदर लोगों से मिले, मिलते जुलते वाले नेता आदरणीय भूपेश यादव जी मंचासन है, हम लोग के बीच मंचासन है, गढ़वा जिला के जिला अध्यक्ष और काफी लोकप्रिय जिला अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में गढ़वा का संगठन दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करता है। वैसे नेता आदरणीय ठाकुर प्रसाद महतो मंचासन है, मंचासी में पूरे गढ़वा जिले के प्रभारी हैं, जो यहां के संगठन को काफी बारीकी से देखने का काम करते हैं। वैसे नेता हम लोग के बीच उपस्थित आदरणीय विपिन बिहारी सिंह जी उपस्थित है। कार्यक्रम में आज के जिला कार्यक्रम में हम लोग के बीच जदयू के जिला अध्यक्ष और आदरणीय लोजपा के भी जिला अध्यक्ष है, चूंकि आप सबों को पता है यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन यह चुनाव लड़ रही है। हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय जी जिन्होंने मिथिलेश ठाकुर को कहा कि मिस्टेक है, ठीक बोले, बन गए हुआ गलती से, हाय हाय कर रहा जनता, लेकिन क्या करिएगा, लोकतंत्र में 5 साल पूरिएगा तभी ना भगवर्धन में पासपोर्ट दीजिएगा, लेकिन पब्लिक चाहिए घर दिया एक ही महीना में लग गया। अरे भैया तो माफिया से कम पट गया हो, मारी माफिया है कर दे, लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 साल में वोट होगा तो 5 साल में कम आदमी के नहीं वोट पाया तो अभी तो शरद पहुंचे उस पर नहीं जाएंगे। हम लोग तो इस कार्यक्रम में हम सभी के अभिभावक हैं और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय हम ये नहीं कह सकते, भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्व पिता में होते हैं हमारे पर्व हैं। आदरणीय श्याम नारायण दुबे जी मंचासीन हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का समिति सदस्य और पूर्व के जिला अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश केसरी जी हैं, मंचा सिंह हैं चंद्रवंशी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर चंद्रवंशी जी मंचा सिंह, मंचा सिंह हैं जो अभी थोड़ी देर आपको पूर्व में संबोधित कर रहे थे, चंद्रवंशी समाज के बड़े ही कड़ावर नेता हैं और अपनी बात को काफी मजबूती और बेबाक तरीका से रखने के लिए जाने जाते हैं।
सच को सच कहना ही इनका पहचान है। वैसे नेता ध्रुव चंद्र मिश्र हम लोग के महिला मोर्चा के गढ़वा जिला के प्रभारी महोदय हम लोग के बीच उपस्थित है। कार्यक्रम में उपस्थित दीपक भैया हैं, लोजपा के भी अध्यक्ष हैं, जदयू के अध्यक्ष हैं, हम सबका नाम है और सबसे सभी लोगों का संबोधन हमारे अरविंद तूफानी जी हैं। अरविंद तूफानी जी को आप लोग जाते होंगे, पिताजी साहेब थे, वीडियो साहेब थे, भैया साहेब उस्मान को इस्तीफे दे दिए, आज इस्तीफा दे के विधायक बन गए काके से दो बार। दुर्भाग्य के हमारे बीच में नहीं गए, लेकिन उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अरविंद जी हम मैं देखिए संबोधन यहाँ गढ़वा नगर मंडल के अध्यक्ष यो तो जान ही रहे होंगे परिवार है, यो धोबिया पर फैलावे में कमजोर नहीं है, देखते हैं कि ललकारते हैं अरविंद सब जी है और संबोधन हम करेंगे। लोग मामा को सुनने हैं, ये जगत मामा है, हमें लगता है बेटी बहनों के बीच पूरे देश में रहते तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है वह नेता अरविंद शिवराज सिंह चौहान। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ तो तुम्हारा भी मामा ही हूँ, मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री जो झारखंड की धरती पर लगातार दो महीने से आपके बीच उपस्थित हैं, आदरणीय सतीश चंद्र दुबे जी, हमारे यशस्वी विकासशील सांसद आदरणीय बीडी राम जी, भ्रष्टाचार की लंका को सत्येंद्रनाथ तिवारी जलाकर राख कर देगा। ये हमारे तेजस्वी नेता सुधारू जन सेवक नेताए, ऐसे उम्मीदवार पर पार्टी को गर्व है। हमारे उम्मीदवार आदरणीय सत्येंद्रनाथ तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी आसू जदयू लोजपा के हमारे सभी जिलाध्यक्षगण सभी पदाधिकारीगण मेरे भाइयों बहनों भांजियों भांजियों मामा का जोहार मामा का प्रणाम मामा का नमस्कार। अभी बता रहे थे सत्येंद्रनाथ तिवारी जी, अरे हमने सुना था कुंभकर्ण था रावण का भाई कुंभकर्ण, कहते थे वो छह महीना सोता था और छह महीना उठता था तो छह महीने खाते ही रहता था, वो तो छह महीने खाता था लेकिन गढ़वा में जो मंत्री बैठा है वो तो बारह महीने ही खाता रहता है। ये ईंट खा जाए, ये पत्थर खा जाए और ये क्या खा जाए, अरे जोर से बताओ क्या खा जाए, ये बालू खा जाए, दिनों रात बालू ही खाता रहता है, कोयला भी, ये बालू खा जाए, कोयला खा जाए, जल जीवन मिशन का पैसा खा जाए, मनरेगा का पैसा खा जाए, पांच साल जनता को इसने खाया है मेरे बहनों और भाइयों, खाया है पांच साल जनता, और इसलिए जनता बालू के लिए तरस रही। बताओ तुम्हें मकान बनाने बालू मिलता है क्या, जोर से बताओ मिलता है क्या, अगर गरीब मकान बनाना चाहे प्रधानमंत्री पैसा देते हैं मकान बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं क्या एक जगह देख रहे तो मेरी बहनें उठ के खड़ी हो गई, मामा बालू तो मिलते ही नहीं है, बालू तो बाल्टी में बिक रहा है, सही बात है कि नहीं। आज मामा तुम्हें वचन देने आया है, भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रण किया है हमारी सरकार बनने दो, गठबंधन एनडीए की सरकार, जनता के लिए बालू मुफ्त कर दिया जाएगा, फ्री में बालू मकान बनाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।